बिजनौर जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में जिला पोषण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि होम विजिट पर जाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए उनकी जिम्मेदारी से संबंधित आवश्यक सूचनाओं एवं दायित्वों पर आधारित पंपलेट प्रिंट कराकर उन्हें उपलब्ध कराएं और उन्हें अपने दायित्वों के प्रति जवाबदेही निर्धारण करें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि DPO सभी CDPO और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यों की मॉनिटरिंग करें और जिस स्तर पर कार्य में शिथिलता पाई जाए संबंधित को सचेत करने की कार्यवाही करें। यदि उसके बाद भी कार्य की गुणवत्ता में सुधार नहीं पाया जाता तो उसका जवाब तलब करें। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं ANM द्वारा फीडिंग कार्य में शिथिलता और कार्यों के प्रति लापरवाही प्रकाश में आती है उनके खिलाफ कार्यवाही करें। कुपोषित बच्चों का चिन्हीकरण कर उन्हें NRC में भेजें। उन्होंने कहा कि बच्चों व महिलाओं में एनीमिया को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास की आवश्यकता है जिससे स्थितियों में सुधार हो। जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बैठक में अनुपस्थित है उनका जवाब तलब करें और जिला समन्वय द्वारा मीटिंग में प्रतिभाग न करने तथा समीक्षा से संबंधित बिंदुओं की PPT तैयार न करने पर चेतावनी एवं नोटिस जारी करें। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी को ये भी निर्देश दिए कि विभागीय कार्यों को मानक के अनुरूप संपादित कराने के लिए CDPO सहायक CDPO सुपरवाइजर जिला समन्वयक एवं ब्लॉक समन्वयक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कराकर सभी को प्रशिक्षण उपलब्ध कराएं और उनके दायित्वों का निर्धारण करते हुए उनका अनुपालन कराना सुनिश्चित कराएं। उन्होंने CDPO को निर्देश दिए कि पोषण ट्रैकर तथा ई कवच पर 100% डाटा फीड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित को समय समय पर डाटा फीड करने व उसको अपडेट करने के लिए निर्देशित किया। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट।